तो दोस्तों अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी ऑडियंस जो है वो क्या देखना पसंद करती, कौन से टॉपिक, कौन सा ऐसा वीडियोस है जो देखना पसंद करती, तो शायद आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो लोग यार देखना पसंद करते हैं वो अगर हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो यार वो जरूर देखेंगे। अब हमारी जो ऑडियंस, हमारे जो सब्सक्राइबर है, वो किसी भी रिलेटेड टॉपिक को देखना चाहते हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं ये देखना वो पसंद करते हैं। अब अगर हम ये सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं ये अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, तब तो वो वीडियो को हमारी जरूर देखेंगे, 100 में से 100 लोग देख लेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम किसी और कैटेगरी पर वीडियोस को अपलोड कर दें, किसी और टॉपिक पर वीडियो को अपलोड कर दें, तो यार वो हमारे वीडियो को नहीं देखते, जिससे हमारी जो रीच है वो डाउन चली जाती है और हमारा चैनल ग्रो नहीं होता है। तो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट यही बात आती है कि यार जो ऑडियंस को पसंद है अगर वो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो शायद हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो जाएगा, हमारी वीडियो पर व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन इतना भी आसान नहीं कि यार पता चल जाए कि ऑडियंस हमारी क्या देखना चाहती, कौन से टॉपिक को देखना चाहती, कौन से टॉपिक पर यूट्यूब पर फाइंड करके वीडियो को देखती है, तो शायद हमारा जो चैनल है वो ग्रो हो जाएगा। क्योंकि जितना भी इम्पॉसिबल नहीं है कि हम देख पाए कि हमारी ऑडियंस क्या देखना चाहती, कौन से वीडियोस को देखती है, कौन से चैनल्स को देखती है। तो गाइस आज की वीडियो जो है वो कुछ ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बस आपके लिए 2 से 3 मिनट देने हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके जो चैनल की ऑडियंस है, आपके जो सब्सक्राइबर्स है, आपके जो व्यूअर्स है, वो कौन से टॉपिक को देखते हैं, कौन से चैनल को देखते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगी कौन सा टॉपिक हमारी ऑडियंस देखती है और कौन सा चैनल देखती है, तो अगर आप उस रिलेटेड वीडियोस को बनाएंगे, उस रिलेटेड चैनल से रिलेटेड वीडियोस को बनाएंगे, तो 101% श्योर है कि वो ऑडियंस आपके वीडियो को भी देखेगी। तो कैसे ये देखना बहुत सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन मेल उसको ऑल पर सिलेक्ट कर देना, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर मिलती रहती है। गाइस बात करते हैं कि हम देख कैसे सकते हैं कि ऑडियंस हमारी जो वो कौन सा टॉपिक देखना पसंद करती है, कौन सा चैनल देखना पसंद करती है, किस प्रकार की हमारी ऑडियंस है। तो इसको देखने के लिए हमको कुछ भी नहीं करना, यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको खुद बताता है, यूट्यूब का ऐप आपको खुद बताता है कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो व्यूअर्स है, आपके जो सब्सक्राइबर्स है, वो कौन कौन से टॉपिक को देखते हैं, कौन कौन से वीडियोस को देखते हैं, कौन कौन से चैनल्स को देखते हैं। तो कैसे देखना वो गाइस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पर बैटरी स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। जैसे गाइस मैं यहाँ पर बैटरी स्टूडियो ऐप को ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद आपको करना कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको एनालिटिक्स पर क्लिक करना है। गाइस जैसे आप एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे, एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर के साइड में ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा। जैसे गाइस आप ऑडियंस पर क्लिक करेंगे, ऑडियंस पर क्लिक करने के बाद गाइस मैं आपको बताता हूँ कि ऑडियंस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे कि आप अप में स्क्रॉल करेंगे, अप में स्क्रॉल करते टाइम यहाँ पर आपको मिलेगा अदर वीडियोस योर ऑडियंस वाच, यानी कि आपकी जो ऑडियंस है वो अदर वीडियो कौन कौन सी देखती है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो 7 दिन का यहाँ पर आपको दिखाएगी 7 दिन में कौन कौन सी वीडियो आपकी ऑडियंस ने देखी, यानी कि आपके व्यूवर्स ने देखी है, आपके सब्सक्राइबर्स ने देखी है। तो यहाँ पर ये आपको पता चल जाएगी अदर वीडियोस को कौन कौन सी वीडियोस को देखती है और किस टॉपिक को हमारी ऑडियंस देखना पसंद करती है। तो यहाँ पर आपको टॉपिक मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक लोग पसंद करते हैं देखना, तो उस टॉपिक पर आपको वीडियोस बनाना, लगातार वीडियोस बनाना, जिससे आपकी ऑडियंस उन वीडियोस को देखेगी। अगर गाइस और आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आपको मिलेगा अदर चैनल्स योर ऑडियंस वॉच, तो यहाँ पर अदर चैनल का मतलब ये है कि और कौन कौन से चैनल आपकी ऑडियंस देखती है, आपके सब्सक्राइबर और कौन कौन सा चैनल देखते हैं, आपके व्यूअर्स और कौन कौन से चैनल देखते हैं। तो यहाँ पर आपका चैनल भी मिल जाएंगे कौन कौन से चैनल देखते हैं। अब जो भी चैनल देखते हैं वो चैनल यार आपको देख लेना कि किस रिलेटेड है, कौन सा वीडियोस को क्रिएट करता है, किस प्रकार का है। तो यार आपको हो सके तो 1 से 2 वीडियो उस चैनल से भी रिलेटेड बना देने हैं, उस चैनल से रिलेटेड बना देने हैं, उस क्रिएटर से रिलेटेड बना देने, जिससे आपकी ऑडियंस जो है वो इस वीडियो को भी देख लेगी। तो इस प्रकार से आपकी रीच जो है वो अप में चली जाएगी, आपके व्यूज इंक्रीज हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया कि YouTube आपको खुद बताता है, YouTube खुद बताता है कि आपके जो व्यूअर्स है, आपकी ऑडियंस है, वो क्या देखना पसंद करती है, कौन कौन से टॉपिक को देखना पसंद करती है, कौन कौन से चैनल्स को देखना पसंद करती है। तो अगर आपको ये सारा कुछ पता चल जाता है तब यार आप इस रिलेटेड वीडियोस को बना सकते हैं, वीडियोस को बनाएंगे तो उस पर व्यू ज्यादा आएंगे तो आपका चैनल ग्रो होगा। गाइस आज की वीडियो में आपके लिए यही A to Z बताने वाला था कि आप अगर ये पहचान जाए, ये जान जाए कि आपकी ऑडियंस किस रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करती है, तो शायद आप अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो गाइस आज से आपको ट्राई करना, आपको हर दिन आपको देखना कि लोग हमारी वीडियो को किस प्रकार से देखते हैं, हमारे जो व्यूअर्स है वो किन किन वीडियोस को देखते हैं, आपको नया सा नया टॉपिक मिलेगा और टॉपिक भी ऐसा मिलेगा जो आपकी ऑडियंस देखना पसंद करती है। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रही हो, पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके भी आना। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक